बारे में मैं बोलता हूँ खुल के कि मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसको गाली गलौज ये वो जो गंद है सारा शुरू तो हनी सिंह ने किया। बट हनी सिंह की एक बात है कि उसकी बीट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो उसमें कुछ होए गाना नहीं भी हो। जैसे लूंगी डांस, उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इवन ये वाला गाना भी पार्टी ऑल नाइट जो है, इसमें भी कोई गंद ना होता तो आई थिंक ये गाना चलना ही चलना था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बीट बनाता है। आई फील जेलस, कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैंने क्यों नहीं बनाई ऐसी जाम, मेरे से क्यों नहीं बनती। मैं उसके मैनेजर को भी ये बात बोल रहा था कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हनी सिंह तो खैर वो सिंगर नहीं है, बट एक पार्ट उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहता हूँ कि अगर और लोगों ने करना है तो गालियाँ तो हमें भी बहुत आती हैं, तो फिर ओपन ही कर दो पूरा। अगर करना ही है इस टाइप का तो फिर ओपन कर दो। फिर तो हम तो बिल्कुल पिंड के हैं, वो तो मतलब बाकी तो शहरी लोगों को तो कम आती होंगी, हम तो बिल्कुल पिंड से आते हैं। बहुत अंदर गंद भरा हुआ है पूरा का पूरा जो है, बहुत ही बढ़िया। पाकिस्तान मुझे याद है जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था 2002 या 2003 में फैसलाबाद में, मैं क्योंकि मेरे साथ कोई एंकर नहीं था, मैं पीछे स्टेज के पीछे ऐसे ही बोला शुरू किया था कि आप आपके सामने आ रहे हैं जसबीर जस्सी, इंडिया के बहुत बड़े कलाकार हैं। वहाँ टिकटों का बड़ा चक्कर होता है ना कि इतने लोग नहीं आ सकते, वीज़ा का चक्कर। तो मैं पीछे से ऐसे बोल के तो मैं स्टेज पे चढ़ गया था। 5.5 घंटे बाद मैं उतरा, और मुझे वह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो 2-3 बंदे थे, वो पैसे ऐसे फेंके जा रहे थे ऊपर, तो हम बोरियों में डाल के पैसे लाए थे। नमाज दुगाना पुल गया नमाज दुगाना पर प्याले दे मन का लाल नी, मेरा पिया घर आया ओ लाल नी।